Sharwar. I study class 8B. Today I have made a model of drip irrigation and rain water harvesting. Now I will start explain that how it works. ये क्लाउड्स हैं, जब क्लाउड से पानी टेरेस पे आता है तो यहाँ पे थ्रेट हो जाता है, फिर यहाँ इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमें एक चीज़ ला सकते हैं, यहाँ पे पाइप लगा सकते हैं। जब वाटर इस तरह यहाँ पर टेरेस पर आया था तो यहाँ पे थ्रेट हो जाएगा, फिर जब वाटर वो पाइप पे घुस जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में, फिर वाटर जब वो फिल्टर हो जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में, फिर वो ड्रिपर से ट्रू फार्म्स में जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे क्या होता है, इस सिस्टम से बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें ज़्यादा मनी की वेस्टेज नहीं होती, लेबर नहीं चाहिए होती, वाटर भी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें फार्म में जाता है। इससे बेनिफिट्स ये भी हैं कि वाटर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, जिससे क्या होता है रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में मॉइस्चर बना रहता है। इसलिए हम इस ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइब्स ने लिया था जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे इंडिया के। उसके बाद ये इन्वेंशन सिमचा ब्लास्ट नाम के साइंटिस्ट ने अपने बेटे के संग इसका शुरुआत की। और ये वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स में जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, फिर ये रूट्स वेट हो रहे हैं। और ये यहाँ पे वाटर टैंक भी है, जब रेनी सीजन नहीं होता या फिर जब पानी नहीं आ रहा होता तब हम इस वाटर टैंक का यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। And this is our model.